हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूनोवा चैंपियन आयरिस के बारे में। ब्लैक एंड व्हाइट की सीरीज तक आयरिस स्ट्रांग तो थी, पर उतनी ज्यादा नहीं। ज्यादा से ज्यादा वो सिर्फ एक हाई जिम लीडर जितनी ताकतवर होगी ब्लैक एंड व्हाइट की सीरीज के वक्त। लेकिन पोकेमॉन जर्नीज में इसकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है। पोकेमॉन जर्नीज में अपने फर्स्ट अपीयरेंस में भले ही यहाँ पे उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाई हो, क्योंकि अपनी फर्स्ट अपीयरेंस में ऐश से हार गई थी। लेकिन आगे चल के जब इसका सेकंड अपीयरेंस हुआ मास्टर एट की रैंकिंग के वक्त, तो वहाँ पर हमने ये देखा कि मास्टर एट की रैंकिंग में आयरिस यहाँ पे ऐश से भी ऊपर है। एंड लेटर ऑन शी वॉज एबल टू पुट अप अ गुड फाइट अगेंस्ट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चैंपियन सिंथिया। पर हाँ, इन सब के बावजूद भी आयरिस को काफी क्रिटिसिज्म मिला है जस्ट बिकॉज यहाँ पर वो यूनोवा में वीक थी। काफी लोगों का ये भी कहना था कि आयरिस जैसी ट्रेनर यहाँ पे सिंथिया से लड़ने के लायक नहीं है, सिंथिया को किसी और ट्रेनर का सामना करना चाहिए था। सो आज की इस वीडियो में हम आयरिस के पावर लेवल के बारे में बात करने वाले हैं, और हाँ उसके बाद हम यही बात करेंगे कि आयरिस किस लेवल की ट्रेनर है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि आयरिस अब कमजोर नहीं रही है। हाँ, ये बात है कि ब्लैक एंड व्हाइट की सीरीज के वक्त वो उतनी ताकतवर नहीं थी, बट जस्ट बिकॉज कोई पहले स्ट्रांग नहीं था इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे चल के भी स्ट्रांग नहीं बन सकता। इस तरह से तो ऐश भी काफी ज्यादा कमजोर था पहले, लेकिन हम सब जानते हैं कि टाइम के साथ वो कितना ताकतवर बना है। सो यार, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग हर बिकॉज ऑफ हर पास्ट। आयरिस भले पहले उतनी ताकतवर नहीं थी, लेकिन अब काफी स्ट्रांग बन चुकी है। वो मास्टर एट में आई एंड सिंथिया के अगेंस्ट बैटल में ये साबित भी कर दिया कि वो मास्टर एट में क्यों थी। सिंथिया के अगेंस्ट 3-on-3 बैटल में वो काफी ज्यादा देर तक टिक गई थी। सबसे पहले उसके एक्सकेड्रिल ने सिंथिया गैस्ट्रोडॉन को हरा दिया था, और अगर तुम बैटल ध्यान से देखो देन एक्सकेड्रिल वाज एबल टू विदस्टैंड इवन सुपर इफेक्टिव मूव्स। वो गैस्ट्रोडॉन के दो सुपर इफेक्टिव मडी वाटर के बाद भी नहीं हारा था डिस्पाइट रिसीविंग अ डायरेक्ट हिट। उसके बाद उसने सिंथिया के माइलोटिक से फाइट की, बट अनफॉर्चुनेटली एक्सकेड्रिल इस मैच को हार गया था आफ्टर रिसीविंग अ थर्ड सुपर इफेक्टिव मूव हाइड्रो पंप। पूरी बैटल अगर ध्यान से देखो तो एक्सकेड्रिल 3 सुपर इफेक्टिव मूव्स के बाद हारा था। उसके बाद आयरिस अपने ड्रैगनाइट को भेजती है। शुरुआत में ड्रैगनाइट माइलोटिक के खिलाफ काफी अच्छा खेलता है। वो माइलोटिक पे बैक टू बैक 5 सुपर इफेक्टिव थंडर पंच हिट करता है, बट माइलोटिक प्रूव टू बी टू स्ट्रॉन्ग फॉर ड्रैगनाइट। वो किसी तरह 5 सुपर इफेक्टिव थंडर पंच सह लेती है एंड उसके बाद डिजार्मिंग वॉइस यूज करती है। एंड यह डिजार्मिंग वॉइस एक फेरी टाइप अटैक है जो कि ड्रैगनाइट पे सुपर इफेक्टिव था। उसके बाद जब ड्रैगनाइट अपना फोकस खो देता है, माइलोटिक मौके का फायदा उठा के उसे चोक करके आयरन हेड से हरा देती है। फिर आयरिस भेजती है अपने एस पोकेमॉन हैक्सोरस को। हैक्सोरस आते ही एक्सकैड्रिल एंड ड्रैगनाइट दोनों का बदला ले लेता है। माइलोटिक के डिजार्मिंग वॉइस को साइको कट से काउंटर करने के बाद ब्रेकिंग स्वाइप से माइलोटिक के हाइड्रोपम को ओवरपावर करके उस पर डायरेक्ट हिट स्कोर करता है, जिसके बाद माइलोटिक हार जाती है। उसके बाद सिंथिया अपने अनडिस्प्यूटेड एस पोकेमॉन गार्चोम्प को बाहर निकालती है। गार्चोम्प आते ही ड्रैकोमीटियोर यूज करता है, लेकिन हैक्सोरस काफी अच्छे से अपने आउटरेज अटैक से ड्रैकोमीटियोर को काउंटर करता है। उसके बाद हैक्सोरस एंड गार्चोम्प अपने रॉ स्ट्रेंथ से बैटल करते हैं, जिसमें यहाँ पे गार्चोम्प की बराबरी कर लेता है। उसके बाद हैक्सोरस आउटरेज के इफेक्ट के कारण कंफ्यूज हो जाता है, इसीलिए वो अपना सर जमीन पे मारता है ताकि वो कंफ्यूजन से बाहर निकल पाए। आयरिस के स्ट्रेटजी से इंप्रेस होकर सिंथिया अपने गार्चोम्प को मेगा इवॉल्व कर लेती है। मेगा इवॉल्व होने के बाद गार्चोम्प की पावर कहीं ज्यादा बढ़ जाती है, बट स्टिल हैक्सोरस मेगा इवॉल्व गार्चोम्प को भी एक टफ फाइट दे पाता है। हैक्सोरस मेगा गार्चोम्प के काफी सारे ड्रैगन क्लॉ को अपने साइको कट से रोक पाता है। इस बीच ड्रैगन क्लॉ को रोकने के साथ ही वो गार्चोम्प पे अटैक करने की भी कोशिश करता है, बट गार्चोम्प उसे डॉज कर लेता है। उसके बाद गार्चोम्प भी ड्रैगन क्लॉ से उसे हिट करने की कोशिश करता है, बट गार्चोम्प का भी अटैक मिस हो जाता है। यहाँ पर जब गार्चोम्प का ड्रैगन क्लॉ मिस होता है, वो इस बात को नोटिस नहीं कर पाता कि वो हैक्सोरस के बहुत नजदीक आ चुका है। फाइनली आयरिस को एक ओपनिंग मिल ही जाती है एंड आयरिस हैक्सोरस को ड्रैगन पल्स यूज करने के लिए कहती है, एंड हैक्सोरस अनलीश्ड अ पॉइंट ब्लैंक सुपर इफेक्टिव ड्रैगन पल्स ऑन गार्चोम्प स्कोरिंग अ डायरेक्ट हिट। हैक्सोरस अपने ड्रैगन पल्स से गार्चोम्प को एक मैसिव पुशबैक दे पाया था, लेकिन हाँ सिंथिया का मेगा गार्चोम्प एक ड्रैगन पल्स से तो हार नहीं रहा। इसलिए आयरिस हैक्सोरस से स्पिरिचुअल लेवल में बात करती है एंड उसे अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए बोल देती है अपने नेक्स्ट अटैक में। सिंथिया गार्चोम्प अब एक आखिरी ड्रैकोमीटियोर यूज करता है एंड हैक्सोरस ड्रैकोमीटियोर को काउंटर करने के लिए अपनी पूरी ताकत से एक आखिरी ड्रैगन पल्स यूज करता है। हैक्सोरस अपने ड्रैगन पल्स से काफी हद तक उसके ड्रैकोमीटियोर को रोक पाता है, बट हाँ ड्रैकोमीटियोर ओवर पावर ड्रैगन पल्स इन द एंड। गार्चोम्प फाइनली स्कोर्ड अ डायरेक्ट हिट ऑन हैक्सोरस विद अ सुपर इफेक्टिव अटैक, एंड अनफॉर्चुनेटली हैक्सोरस इस अटैक को नहीं सह पाता एंड वो इस मैच को हार जाता है। ऑल्दो ही फॉट वेल, स्टिल ही वाजंट स्ट्रांग इनफ टू डिफीट गार्चोम्प। अब भली आयरिस इस मैच को हार गई थी, लेकिन अगर इसकी परफॉर्मेंस इस मैच में देखो तो इसकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी रही है। इसका एक्सकेड्रिल भले उतना ताकतवर ना हो, बट स्टिल वो 3 सुपर इफेक्टिव अटैक खाने के बाद हारा था। एंड अगर बात रही इसकी ड्रैगनाइट की, तो इसके ड्रैगनाइट की परफॉर्मेंस इस मैच में काफी ज्यादा अच्छी रही है। एंड या ये वही ड्रैगनाइट है जो कि ऐश की फुल पोटेंशियल चार्जार्ड के खिलाफ लड़ पाया था। अब चार्जार्ड के अगेंस्ट जो इसकी फाइट हुई थी, उस फाइट को हमेशा हम चार्जार्ड के ही प्रस्पेक्टिव से देखते हैं कि हाँ चार्जार्ड ने काफी इजीली उसे डोमिनेट कर दिया था। लेकिन एक बार अगर ये फाइट तुम ड्रैगनाइट के प्रोस्पेक्टिव से देखो, तो तुम्हें पता चलेगा कि ड्रैगनाइट चार्जार्ड की सुपर इफेक्टिव ड्रैगन टेल के बाद भी नहीं हारा था, वो भी तब जब ऐश का चार्जार्ड अपने पीक स्ट्रेंथ पे था एंड लगभग एक लो टू मिड एलीट 4 लेवल की पोकेमॉन की जितना ताकतवर था, जबकि ड्रैगनाइट सिर्फ एक हाई जिम लीडर लेवल की पोकेमॉन जितना ही स्ट्रांग था। और अगर बात रही इसके हैक्सोरस की, देन हैक्सोरस यहाँ पे सिंथिया के मेगा इवॉल्व गार्चोम्प के खिलाफ इतनी देर तक लड़ पाया था। हाँ भले उस मैच में यहाँ पे हैक्सोरस बस एक अटैक में हार गया था, लेकिन सिंथिया गार्चोम्प जैसे अपोनेंट के सामने, वो भी तब जब वो अपने मेगा स्टेट में था,
उसके खिलाफ इतनी देर तक भी टिक पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और हाँ, अगर इस मैच के दौरान तुम अलान की स्टेटमेंट सुनो तो अलान ने भी ये बात कही थी कि भले ही गार्चा मेगा इवॉल्व हो चुका है बट हैक्सरस के अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है। सो या दिस मैच कुड स्टिल गो इधर वे। एंड या भले ही यहाँ पे हैक्सरस मैच में इतना ताकतवर नहीं था कि वो सिंथिया के मेगा गार्चा को मजबूर कर दे उसकी फुल पावर यूज करने पे, लेकिन स्टिल वो उसके ड्रैगन क्लॉ को अपने साइको कट से रोक पाया था एंड उसके फाइनल ड्रैको मीटियोर को अपनी फुल पावर ड्रैगन पल्स से काफी हद तक रोक पाया था। और अब अगर हम बात करें फाइनली इस बारे में कि आईएस किस लेवल की ट्रेनर है, देन अगर उसकी ओवरऑल टीम को देखो तो इसकी ओवरऑल टीम काफ़ी ताकतवर है, जहाँ पर इसके पास एक्सकैड्रल, इमोलगा, गिबल और इसका ड्रैगनाइट भी है। और अगर हम इसको इसके एस पोकेमॉन हैक्सरस के साथ रख दें जो कि सिंथिया के मेगा इवॉल्व गार्चॉम के खिलाफ इतनी देर तक लड़ पाया था, तो डेफिनेटली आयरिस एक लो चैंपियन लेवल ट्रेनर जितनी स्ट्रॉन्ग तो हो ही सकती है। नाउ आयरिस यहाँ पे मिड चैंपियन लेवल जितनी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर हो सकती थी, बट दी ओनली थिंग विच हेल्ड हर बैक इज हर एक्सपीरियंस। अपने कम एक्सपीरियंस के कारण ही मुझे नहीं लगता कि आयरिस एक मिड चैंपियन लेवल ट्रेनर जितनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। बट हाँ, जो लड़की ब्लैक एंड व्हाइट की सीरीज के वक्त एक हाई जिमिटर लेवल के ट्रेनर जितनी स्ट्रॉन्ग थी, उसके लिए इतने कम समय में वो भी इतने कम एक्सपीरियंस के साथ इवन एलीट फोर्स को सरपास करके एक लो चैंपियन लेवल के ट्रेनर बनना एंड सिंथिया जैसे चैंपियन के खिलाफ इतनी देर तक टिक जाना एक बहुत बड़ी बात है। सो या दिस वॉज माई ओपिनियन अबाउट आयरिस। आपको आयरिस कितनी ताकतवर लगती है आप कमेंट्स में बताइए एंड आपके हिसाब से वो किस लेवल की ट्रेनर है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे अमेजिंग वीडियोस नहीं के लिए एंड सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप चैनल के लेटेस्ट वीडियो से नोटिफाइड रहें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।